स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल की नॉइज पे। पीएफसी का शेयर में अभी क्या करना चाहिए? पीएफसी का शेयर जिसने कुछ ही दिनों के अंदर इन्वेस्टर्स को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, उसके बाद अभी शेयर देखेंगे तो फिर भी जो है तेजी आपने दिखा रहे थे। क्या ये शेयर में आपको अभी खरीद लेना चाहिए? क्या चल रहा है पीएफसी में जहां पे शेयर में इतना तेजी बन रहा था? दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स है पीएफसी को लेकर, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते वीडियो पे पूरा बने रहिए, क्योंकि भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फी नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों एक दिन में पीएफसी के शेयर में 9.1% का रिटर्न दिया है, एक हफ्ते के अंदर 13.9% का इसमें रिटर्न दिया है, और एक महीने में 52.9% का जो इसमें तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। पीएफसी का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पीएफसी सब्सिडरी पीएफसी कंसल्टिंग इज नॉमिनेटेड एज द बीपीसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अपडेट है ये, और बहुत बड़ा चीज है जिसके चलते शेयर में भी बोल सकते हैं कि आगे भी एक जो है तेजी बन सकता है। इसका ड्यूरेबिलिटी देख सकते हैं जो कि 45 आउट ऑफ 100 वैल्यूएशन, 63.50 आउट ऑफ 100 मोमेंटम, 61.10 आउट ऑफ 100। दोस्तों यहाँ पे पीएफसी जो पीएफसी का शेयर है इसका हम लोग 6 महीने का डिटेल्स देखते हैं तो 6 मंथ का इसका जो हाई प्राइस बनाया है पीएफसी के शेयर ने वो है 362.35 पैसे का, और जो लो प्राइस बनाया है वो है 203.84 पैसे का। एक महीने के अंदर जो इसका हाई प्राइस है 360.35 पैसे का, जो लो प्राइस है 237.85 पैसे का, और एक हफ्ते का जो लो प्राइस माफी जो हाई प्राइस है वो है 360.35 पैसे का, जो लो प्राइस है 309.55 पैसे का। अभी पीएफसी का दोस्तों हम लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे पीएफसी का शेयर एक बुलिश लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है शेयर में। वही दोस्तों बात करते हैं आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है मतलब एक ओवरबॉट लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है। मैकडी इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर एक बुलिश लेवल बना रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं पीएफसी के शेयर में, तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक दिन में जो है बीएससी और एनएससी मिला के जो इसका एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 43 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 66.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 28.7 मिलियन का है। एक हफ्ते का बीएससी एनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 19.7 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 54.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 10.8 मिलियन का है। एक हफ्ते का बीएससी एनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 21.2 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 36.5% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 7.7 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पीएससी का मतलब जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं जो प्रमोटर्स के पास 55.99% का स्टेक है, एफआईएस के पास 16.85% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास भी एक जबरदस्त स्टेक है जो कि 12.2% के आसपास, और अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.7% का स्टेक है, और पब्लिक के पास भी एक जबरदस्त स्टेक है जो कि 9.25% का स्टेक जो है पब्लिक के पास है। दोस्तों तो अभी जो पीएफसी का शेयर है इसको लेकर अगर देखेंगे तो पीएफसी का जो बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत बड़ा चीज है जिसको मतलब जिसके चलते जो है मार्केट में बोलते थे कि जो सेंटीमेंट है वो बन रहा है कि ये शेयर जो है एक जबरदस्त रिटर्न आगे चल के बना सकते हैं। देखिए कंपनी देखेंगे पीएफसी का जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है पीएफसी, इसका बिजनेस बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है। अभी यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पीएफसी का जो डिविडेंड है मतलब वही अगर ये शेयर होल्ड करता है पीएफसी का तो अभी तक देख सकते हैं कि पीएफसी की ओर से 35 डिविडेंड्स दिया गया है, एंड इन द 12 मंथ्स द इक्विटी डिविडेंड अमाउंट जो पीएफसी ने दिया है 12.50 पैसा पर शेयर। तो मतलब 12.5 रुपए के आसपास, 12.5-13 रुपए के आसपास बोल सकते कि जो है यहाँ पे लगभग आपको एक डिविडेंड मिल जाता है। अभी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 12.5 का जो है साल का आपको 12.5 रुपए के आसपास जो है डिविडेंड पीएफसी देता है। तो बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड आपको पीएफसी में देखने को मिल जाता है। अभी देखिए पीएफसी क्या शेयर में जो तेजी बन रहा है, शेयर का जो प्राइस एक बोल सकते हैं कि जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न दे रहा है, तो पीएफसी शेयर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आर्म्स मतलब जो इसका सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है प्रदीप ट्रांसमिशन, उसमें उसको लेके जो अपडेट है उसके बाद जो है स्टॉक में तेजी बन रहा है। पीएफसी कंसल्टिंग वॉज नॉमिनेटेड एज द बीड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर बिटवीन शेयर्स ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी जो है लगभग 9% के आसपास फ्राइडे को जो है ट्रेड में इसने जंप कर दिया है शेयर के प्राइस में। आफ्टर महारत्न सीपीएससी से इट्स होल्ली ओन सब्सिडरी पीएफसी कंसल्टिंग हैज फॉर्म्ड अ स्पेशल पर्पस व्हीकल नेमली प्रदीप ट्रांसमिशन, एंड दैट दिस एसपीवी जो स्पेशल बोल सकते कि जो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि एसपीवी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज होल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ पीएफसी कंसल्टिंग। तो यहाँ पे जो एसपीवी इसको बनाया जा रहा है तो ये जो एक होल्ली ओन्ड बोल सकते कि पीएफसी के सब्सिडरी रहेगा, जहां पे ये जो है द मूव वाज सीन आफ्टर पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड वाज नॉमिनेटेड एज द बीट प्रोसेस कोऑर्डिनेटर बीपीसी फॉर द सिलेक्शन ऑफ डेवलपर
थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग फॉर द इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो जैसे ये अपडेट मार्केट में आया है, उसके बाद ये जो अपडेट है जहाँ पे पीएफसी के मतलब जो है बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर के इसमें से जो नॉमिनेट किया गया है इसको, उसके बाद ही जो है शेयर में तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे एज पर द प्रोविजन ऑफ टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग गाइडलाइंस इशूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, द बीपीसी हैज टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट प्रोफाइल एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट क्लियरिंग इफ रिक्वायर्ड। फॉर दिस एक्टिविटीज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हिच विल टेक अप वेरियस जो है यहाँ पे एक बोल सकते कि ये जो है एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, जिसके चलते बोल सकते कि जो पीएफसी है, पीएफसी कंपनी को भी फायदा हो सकता है, उसके जो शेयर होल्डर्स है उनको भी एक जबरदस्त फायदा हो सकता है। अब देख सकते कि इसमें जो इंक्लूड्स है सर्वे, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, इंस्टॉलेशन भी है, और ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सीकिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस। यहाँ पे जो ये एसपीपी है यहाँ पे देख सकते कि हैज टू बी ट्रांसफर टू द सक्सेसफुल बीडर सिलेक्टेड थ्रू इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस अंडर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग गाइडलाइंस फॉर ट्रांसमिशन एंड यहाँ पे सर्विस इशूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से जैसे ये बोल सकते कि एक नॉमिनेशन मिला है पीएफसी को और उसके सबसे इसको, उसके बाद जो स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते कि अकॉर्डिंगली जो है एसपीबी जो है एस बीन इनकॉर्पोरेट एज ए होल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ पीएफसीसीएल टू डेवलप द एफोरमेंशन ट्रांसमिशन स्कीम। दिस एसपीबी विल बी ट्रांसफर टू द सक्सेसफुल बिडर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बिडिंग प्रोसेस। द सक्सेसफुल बिडर सिलेक्टेड थ्रू द बिडिंग प्रोसेस वुड डेवलप द प्रोजेक्ट पीएफसी से। तो यहाँ पे दोस्तों पीएफसी का अभी जिस तरीके से बोल सकते कि ये जो एक अपडेट है और शेयर में भी तेजी बन रहा है, जिस तरीके से शेयर में तेजी बन रहा है, तो एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पे जो है पीएफसी के शेयर में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रहा है फिलहाल अभी। तो ऐसा मतलब एक ये है मतलब जैसे ही शेयर में बोल सकते कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो रहा है, ऐसा नहीं हो कि मतलब शेयर का प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़े और तभी आप जाके खरीदारी करें। तो इसमें जो है जो हम लोगों को टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी जो देखने को मिल रहा है, जहां पे पीएफसी का शेयर जो है बोल सकते कि एक मतलब ज्यादा इसमें जो है फिलहाल अभी डिमांड चल रहा है, तो उसके चलते जो शेयर में ज्यादा बाइंग वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप अगर ये शेयर खरीदते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस रख के नहीं चलना चाहिए, एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं। हो सकता है कि शेयर में अगर गिरावट बने, शेयर में अगर यहाँ से गिरावट बनता है तो उसके बाद खरीदेंगे तो वहां से आपको एक जबरदस्त तेजी बन सकता है। और यह भी आप दोस्तों देखना है कि पीएफसी को लेकर अभी जो अपडेट्स है, तो यहाँ पे अगर मतलब हुई अगर शेयर पीएफसी का थोड़ा ज्यादा प्राइस में भी खरीदता है और होल्ड करता है, तो वो दोस्तों हो सकता है कि आगे चल के एक रिटर्न देखने को मिले। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।